हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूं, और दूसरा माफ़ी ये चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भी कमेंट किया था उसका रिप्लाई मैंने दिया था लेकिन वीडियो बना के नहीं दिया था, और जो मैंने कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया था। और तीसरा, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज की वीडियो में इस बात करेंगे कंप्रेसर के ऊपर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया था कि आप कंप्रेसर के ऊपर वीडियो बनाइए कि कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है और क्या क्या जवाब देना चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया है, 26 क्वेश्चन बनाया है, इसमें से कोई ना कोई आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। कंप्रेसर के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। मेन क्वेश्चन है ये, और उसका आंसर भी मैं बताऊंगा। आंसर में अगर आप जाएंगे तो आंसर के अंदर से भी सवाल निकलता है, तो भी आपको ध्यान देना है। वो टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्नीशियन कैसे दिमाग लगाता है और कैसे वो सोचता है किसी भी मशीनरीज के बारे में, तो वो क्वेश्चन भी बना सकता है और उसके आंसर भी बना सकता है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज़ का फंक्शन क्या होता है। तो हर जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंप्रेसर का यूज किया जाता है। छोटे कंप्रेसर से लेकर बड़े कंप्रेसर तक का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, या फिर हम बात करें मेनली लोकल की भी बात करें तो वहाँ पर भी रोड पे जो गैरेज होते हैं उसके अंदर, या फिर मैकेनिक शॉप होते हैं छोटे छोटे, उसमें भी कंप्रेसर यूज किया जाता है हवा भरने के लिए। तो कंप्रेसर का बहुत सारा यूज किया जाता है। कोई भी ऐसा इंडस्ट्रीज कंपनी या फिर दुकान छोटा मोटा नहीं है जहाँ पर कंप्रेसर यूज नहीं किया जाता हो, जहाँ पर मैकेनिकल काम हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल आता है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर का मतलब है कि कितने टाइप का कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर दो ही टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रेशर हम लोग सेटअप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वाल्व क्लोज कर सकते हैं उसका डिस्चार्ज वाल्व। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें नाम से ही पता चलता है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका प्रेशर हमेशा डेवलप होता रहता है, उसका प्रेशर होल्ड नहीं किया जाता। या तो हम लोग सेक्शन और डिस्चार्ज वाल्व में, डिस्चार्ज और सेक्शन वाल्व से उसको हम लोग, या फिर लोडर अनलोडर से उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसमें सेफ्टी वाल्व लगा के हम लोग कंप्रेसर को चला सकते हैं। कंप्रेसर में ज़्यादातर सेफ्टी वाल्व लगा होता है, सेफ्टी रिलीज वाल्व या फिर सेफ्टी रिलीफ वाल्व, जहाँ जैसा जरूरत पड़ता है डिजाइन के हिसाब से वैसे यूज किया जाता है। दूसरा सवाल आता है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कितने टाइप्स हो जाते हैं, ये भी अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और मल्टी स्टेज का कंप्रेसर आता है। इसमें भी फ्लो अलग अलग हो जाता है, वो भी एक क्वेश्चन है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फ्लो। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है रेडियल फ्लो, दूसरा होता है एक्सियल फ्लो, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्लो। ये अलग अलग कंप्रेसर अलग अलग, जैसे मान लीजिए रेडियल फ्लो कंप्रेसर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आता है। एक्सियल फ्लो जो कंप्रेसर होता है वो ज़्यादातर गैस टर्बाइन में यूज किया जाता है, या फिर हमारा जेट इंजन होता है जो हवाई जहाज में यूज किया जाता है उसमें यूज किया जाता है। और मिक्स्ड फ्लो जो कंप्रेसर है, यानी कि जो मिक्स फ्लो टर्बो कंप्रेसर भी हम लोग उसको बोलते हैं, टर्बो चार्जर भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर डीजल इंजन में यूज किया जाता है, बड़े बड़े डीजल इंजन में जहाँ पर एग्जॉस्ट होता है और इनलेट होता है उसी लाइन में लगा होता है। आप कहेंगे तो इसमें डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा मैं आगे। चौथा आता है कि कंप्रेसर में बैरिंग कौन सा यूज होता है। तो कंप्रेसर में बैरिंग कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से कंप्रेसर में कौन सा बैरिंग यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल में कौन सा यूज किया जाता है या फिर रेसिप्रोकेटिंग में कौन सा बैरिंग यूज किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि कंप्रेसर में कौन सा बैरिंग यूज किया जाता है। तो कंप्रेसर में सभी बैरिंग यूज होते हैं एज पर डिजाइन, क्योंकि हम लोग अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें वहाँ पर जनरल बैरिंग यूज होता है, और यहाँ पर जो भी हमारा हाफ जनरल बैरिंग, टिल्टिंग पैड टाइप जनरल बैरिंग, थ्रस्ट जनरल बैरिंग और थ्रस्ट रोलर बैरिंग, थ्रस्ट टेपर रोलर बैरिंग भी यूज किया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा कंप्रेसर है, उसका साइज क्या है, उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि बैरिंग कौन सी है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग वहाँ पर यूज होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बैरिंग हम लोग एक्चुअल में उसको बोलते हैं। रेडियल बॉल बैरिंग का यूज किया जाता है और उसमें भी जनरल बैरिंग का यूज किया जाता है, वो भी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये यहाँ पर सवाल है कि कौन सा बैरिंग यूज किया जाता है कंप्रेसर में, तो सभी टाइप के यूज किए जाते हैं बैरिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही बैरिंग आप बता सकते हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर टाइप कौन सा है कंप्रेसर का, उसी हिसाब से बैरिंग यूज होता है। तो मेन जो मेन हमारा जो टॉपिक होता है कंप्रेसर में बैरिंग यूज करने का, वो होता है क्लियरेंस के ऊपर, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। पांचवा है कंप्रेसर फेल होने के कारण क्या है। तो कंप्रेसर फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का अलग कारण होता है और रेसिप्रोकेटिंग का कंप्रेसर का अलग कारण होता है। एक सिंपल उदाहरण मैं दे देता हूँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का फेल होने का कारण। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो हार्ट होता है वो होता है वाल्व, उसका दिल। अगर वाल्व फेल हो गया और लोडर अनलोडर फेल हो गए, काम करना बंद कर दिया इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू, तो वो हमारा कंप्रेसर फेल हो जाएगा। छठा आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के पार्ट्स के नाम बताए। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के पार्ट्स के नाम आपको मेन मेन बता रहा हूँ, वही आपको बता देना है। एक होता है पिस्टन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, बैरिंग। उसके बाद होता है क्रॉस हेड, उसके बाद होता है ऑयल स्क्रैपर, उसके बाद होता है पैकिंग, उसके बाद होता है पिस्टन रिंग, पिस्टन राइडर रिंग। ये सारे हमारे जो मेन कंपोनेंट होते हैं, बाकी नट बोल्ट बैरिंग ये तो सब आ ही जाते हैं उसके अंदर, तो ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है। सातवां आता है कंप्रेसर में कौन सा मैकेनिकल सील लगाया जाता है, कौन सा मैकेनिकल सील लगाया जाता है कंप्रेसर में। तो जाहिर सी बात है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सील की कोई जरूरत नहीं होती, वो अंदर स्क्रैपर लगे होते हैं ऑयल स्क्रैपर, लेकिन सील यूज होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ड्राई मैकेनिकल सील यूज किया जाता है। वो कैसे यूज किया जाता है, कैसे काम करता है, आने वाले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो अगर इस वीडियो में हम लोग अगर प्रैक्टिकली या फिर एनिमेशन के थ्रू देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आता है आठवां, कंप्रेसर में क्लियरेंस कैसे लिया जाता है। तो कंप्रेसर में क्लियरेंस कैसे लिया जाता है, कैसे लिया जाता है मतलब टूल से लिया जाता है, और कौन कौन सा लिया जाता है ये हम अभी क्वेश्चन में हम पूछेंगे। तो अब क्लियरेंस लेने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है कंप्रेसर में किसी पार्ट का क्लियरेंस कैसे लिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिलर गेज का इस्तेमाल भी करते हैं, लेड वायर का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी हमारा वहाँ पर मेजरिंग टूल्स होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगर वायरिंग का क्लियरेंस पूछा जा रहा है कैसे लिया जाएगा, तो जनरल वायरिंग का क्लियरेंस हम लोग ज़्यादातर लेते हैं लेड वायर या प्लास्टिक गेज से। इसमें अभी हम ये सवाल अभी आएगा, इसमें मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। उसके बाद नौवां सवाल आता है कंप्रेसर में TDC और BDC क्या होता है। कंप्रेसर में TDC और BDC सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आता है। देखिए TDC का फुल फॉर्म पहले हमको जानना होगा, उसके बाद हम जानेंगे कि TDC और BDC होता क्या है। तो TDC का होता है टॉप डिस्टेंस क्लियरेंस और BDC का होता है बॉटम डिस्टेंस क्लियरेंस। तो जब पिस्टन ऊपर जाता है तो वो होता है टॉप डिस्टेंस क्लियरेंस, उसके आगे लेड वायर लेके क्लियरेंस लिया जाता है, और जब पिस्टन नीचे आता है तो नीचे से भी क्लियरेंस लिया जाता है, वो होता है BDC बॉटम डिस्टेंस क्लियरेंस। उसके बाद सवाल आता है दसवां कि लेड वायर और प्लास्टिक गेज में अंतर क्या है और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हम आपको बता दें कि जहाँ पर जो यूज हो सकता है और यूज किया जाता है वही एक्यूरेट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे एक्यूरेट होता है प्लास्टिक गेज, अगर 0.02, 0.03, 0.07 के बीच में क्लियरेंस लेना है तो प्लास्टिक गेज का इस्तेमाल करेंगे, और लेड वायर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जहां पर हमें 1 मिली 2 मिली 0.5 से ऊपर का अगर क्लियरेंस ले रहा है तो वहां हम लोग लेड वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेड वायर का इस्तेमाल आप हर जगह भी कर सकते हैं, जैसे आपको 0.2, 0.3, 0.5 का क्लियरेंस लेना है या फिर आपको 0.03, 0.04 का क्लियरेंस लेना है, तो उसी हिसाब से आप लेड वायर यूज करेंगे, वो भी एक्यूरेट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है प्लास्टिक गेज। अब यहाँ पर 11वां सवाल आता है अलाइनमेंट कितने प्रकार से किया जाता है, चाहे वो कंप्रेसर हो या फिर पंप हो। तो अलाइनमेंट 3 तरह से किया जाता है, मैं शॉर्टकट में बताते जा रहा हूँ, एक एक डिटेल्स में बताऊँगा तो लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। तो अलाइनमेंट 3 तरह से किया जाता है, पहला है लेजर अलाइनमेंट, दूसरा है रिमेंट प्लेस अलाइनमेंट, तीसरा है रिवर्स अलाइनमेंट। उसके बाद कौन सा अलाइनमेंट ज़्यादा सही होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सही और ज़्यादा एक्यूरेट होता है रिमेंट प्लेस अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी लेजर किट से लेजर अलाइनमेंट से अलाइनमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक नॉर्मल जो एक नॉमिनल और मैक्सिमम और मिनिमम जो मेजरमेंट होता है कपलिंग का या फिर फुट का, लेग का, मोटर लेग का, तो उसका हम लोग डिस्टेंस उसमें फीड करते हैं।
तो हमारा मेजरमेंट अगर सही से फिट नहीं होगा तो हमारा एग्जैक्ट जो है रीडिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रिम एंड फेस अलाइनमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग जब अलाइनमेंट करते हैं रिम एंड फेस का, तो उसमें हम लोग को डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ रीडिंग देखा जाता है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बाकी कई जगह पर लेजर अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, कहीं पर रिवर्स अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। जहाँ पर जो भी इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल शुरू से हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर आया और वो रिवर्सी अलाइनमेंट वहाँ पर देख रहा है, नया पढ़ के आया है, और वो पुराना हो गया, तो वो रिवर्स अलाइनमेंट को ज़्यादा एक्यूरेट मानेगा। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, रिम एंड फेस अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसके बाद 13वां सवाल आता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पार्ट्स का नाम बताएं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में पार्ट्स का नाम आपको बताना है, तो उसमें सबसे पहला आता है शाफ्ट, मैकेनिकल सील, बेयरिंग, जनरल बेयरिंग हो सकता है, बॉल बेयरिंग हो सकता है, इंपेलर, इंपेलर में कौन सा इंपेलर हो सकता है, ये डिजाइन पर डिपेंड करता है, स्पेशल बुश, उसके बाद मैकेनिकल सील, ड्राई गैस मैकेनिकल सील, उसके बाद बैरल होता है, जो दो भाग में भी, जो स्प्लिट टाइप में हो सकता है और सिंगल टाइप में भी हो सकता है, उसके बाद होता है बैलेंस ड्रम, उसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बैरिंग हाउसिंग होता है, बैरिंग कवर होता है, सर्किल प्लायर होता है, सर्किल प्लायर से जिसको हम लोग कभी कभी निकालते हैं, स्पेशल ब्रूस होता है, तो ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट हो जाते हैं, कपलिंग है, ये सभी मेन कंपोनेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है, तो कुछ पार्ट्स के नाम अगर आप बता देते हैं, मेन मेन कंपोनेंट्स के नाम अगर आप बता देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आपने काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप एक भी कंपोनेंट का नाम नहीं बता पाते हैं, 10 या 15 कंपोनेंट का नाम भी नहीं बता पाते हैं, 2-3 का बता पाते हैं, तो आपको इमेज से भी पूछ सकता है कि इस पार्ट का नाम क्या होता है, आप बताइए, तो वहां पर आप फेल हो सकते हैं। 15वां सवाल आता है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इंपेलर कौन सा यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में कौन सा इंपेलर यूज होता है, तो यहाँ पर एक इंपेलर का बात नहीं हो रहा है। इंपेलर 3 टाइप का होता है, एक ओपन इंपेलर, एक सेमी ओपन और एक क्लोज इंपेलर होता है। तो ये तीनों ही इंपेलर यूज किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, क्योंकि जहाँ पर डिजाइन जैसा होता है, जैसा हमको प्रेशर चाहिए उसी हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हाई प्रेशर चाहिए, लो फ्लो चाहिए, तो वहाँ पर मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, जहाँ पर कई सारे इंपेलर हो जाएंगे, तो वहाँ पर कभी भी क्लोज इंपेलर इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पर हाई फ्लो लो प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारा होता है सेमी ओपन इंपेलर, और सिंगल इंपेलर में काम हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। 16वां सवाल आता है, कंप्रेसर में फ्लो क्या होता है, शॉर्ट में बताएं। फ्लो को शॉर्ट में बताना है कि फ्लो होता क्या है कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर या पंप का फ्लो होता है मीटर क्यूब पर आवर्स, यानी एक घंटे में कितना मीटर क्यूब वो पानी, हवा या कंप्रेसर एयर कंप्रेसिंग कर रहा है किसी भी गैस लिक्विड को या फिर एयर को या लिक्विड को, तो वो क्या है हमारा मीटर क्यूब पर आवर्स, ये फ्लो का मात्रक होता है। तो फ्लो यही होता है मीटर क्यूब पर आवर्स। 17वां सवाल आता है कि कंप्रेसर में प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसर या प्रेशर क्या होता है। तो कंप्रेसर में या फिर पंप में प्रेशर होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो बार कहा जाता है या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है प्रेशर उसका, जो उसका कैपेसिटी जैसे डिजाइन किया गया है, 8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग ये आगे वाला नहीं बोलना है, हमें सिर्फ आगे वाला बोल देना है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द कंप्रेसर आवर पंप प्रेशर। 18वां है, फ्लो और प्रेशर में क्या अंतर है। तो प्रेशर क्या है और फ्लो क्या है, फ्लो है मीटर क्यूब पर आवर्स, अभी मैंने आपको बताया एक घंटे में कितना मीटर क्यूब पानी या एयर दे रहा है, प्रेशर बना रहा है, वही होता है फ्लो। और प्रेशर कितने हाइट पे कितना फ्लो देता है, यानी कितने हाइट तक एक कंप्रेसर का या पंप का डिजाइन होता है, तो उसके डिजाइन में क्या डिजाइन किया जाता है कि एक घंटे में ये कितने हाइट तक कितना पानी दे सकता है, यानी एक घंटे में कितना मीटर क्यूब पर आवर्स, यानी कि जैसे 600 मीटर क्यूब पर आवर्स पानी देगा और 16 मीटर हाइट पे, तो ये हो गया 16 मीटर हो गया प्रेशर, और मीटर क्यूब 600 मीटर क्यूब पर आवर्स हो गया फ्लो, तो ये फ्लो हो गया बहाव, और हाइट हो गया जितने हाइट तक वो उतना पानी दे सकता है, वो हो गया प्रेशर। 19वां नंबर क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लोडर और अनलोडर का क्या काम होता है। तो
तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या काम करता है? जैसे हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम कर रहा है तो हम आगे फ्लो कितना चाहिए और पीछे से कितना आ रहा है, तो ये क्या करता है कि जब ये सक्शन करता है, जब हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो लोडर और लोडर का काम क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्चुएटर के थ्रू वाल्व को क्लोज और ओपन कर देता है। तो जितना उसको चाहिए, हमें आगे प्रेशर चाहिए, फ्लो चाहिए, उतना ही वो सक्शन करेगा और उतना ही डिस्चार्ज करेगा। नहीं तो अगर लोडर लोडर नहीं होगा, हमें फ्लो कम चाहिए, प्रेशर भी कम चाहिए, तो वहां पर क्या होगा कि एग्जैक्ट प्रेशर अपने हिसाब से लेगा, कंप्रेस वापस लेगा और जब डिस्चार्ज करेगा तो उतना ही करेगा। तो हमें या तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो लोडर लोडर उसी को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद 20वां सवाल आता है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आईजीवी का क्या काम होता है। सेम काम जो लोडर अनलोडर करता है वही काम करता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आईजीवी। आईजीवी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल गाइड वेंस, तो वो ओपन क्लोज भी होता है। अगर हमें फ्लो कम चाहिए थोड़ा उसको क्लोज कर देंगे, हम एनिमेशन में देख सकते हैं। 21वां सवाल आता है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में बैलेंस ड्रम का क्या काम होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में बैलेंस ड्रम का काम वही होता है कि अगर हम हाई प्रेशर वाला अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज कर रहे हैं मल्टी स्टेज का, तो उसका सक्शन एक साइड को ज्यादा लोड करता है और डिस्चार्ज करने टाइम उसका लोड एक तरफ को भागता है। तो बैलेंस ड्रम का काम करता है एक ट्यूब के थ्रू उस बैलेंस जिधर को फ्लोट ज्यादा लोड ले रहा है उसके अपोजिट में उसके एक प्रेशर, जितना हमारा प्रेशर डिस्चार्ज हो रहा है उसी में से एक लाइन लेके उसके अपोजिट में दे देते हैं। तो वो क्या करता है बैलेंस ड्रम कि उसके फ्लोट को बैलेंस करता है, थ्रस्ट लोड को बैलेंस करता है, एक ही तरफ ज्यादा उसका थ्रस्ट लोड ना जाए, उसी वही काम है बैलेंस ड्रम का। 22वां सवाल आता है बैरिंग कितने प्रकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर जगह पूछा जाता है और बैरिंग के बारे में तो आपसे कहीं भी पूछा जाएगा, चाहे वो पंप हो, टर्बाइन हो, आईडी फैन हो, एमटी फैन हो, कंप्रेसर हो या फिर पंप हो, कोई भी चीज हो, बैरिंग के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो बैरिंग दो ही टाइप के होते हैं, कौन सा पहला कौन सा है, फ्रिक्शनल और दूसरा नॉन फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल में कौन सा बैरिंग आता है, जनरल बैरिंग आता है, बुश बैरिंग आता है, रबर बुश बैरिंग आता है, कॉपर बुश बैरिंग आता है। लेकिन नॉन फ्रिक्शनल में जितने भी रोलिंग बैरिंग होते हैं, जैसे रोलर बैरिंग, थ्रस्ट रोलर बैरिंग, डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, टेपर रोलर बैरिंग, ये सारे हमारे नॉन फ्रिक्शनल में आ जाते हैं। यानी कि जिसमें जिस भी बैरिंग में रोलर और रोलर या फिर बॉल लगा रहेगा वो नॉन फ्रिक्शनल में आएगा, और फ्रिक्शनल में वही आएगा जिसमें कोई भी बॉल नहीं होगा, डायरेक्ट शाफ्ट और जनरल बैरिंग में ऑयल के ऊपर वो काम करता है, ऑयल का एक फिल्म बनता है उसके बीच में रोलर नहीं होता है, वो उसी के ऊपर काम करता है। आने वाले वीडियो में हम डिटेल्स में जान लेंगे। 23वां नंबर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का फ्लोट कैसे लिया जाता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का फ्लोट या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप का फ्लोट एक ही टाइप से लिया जाता है। जब पंप को असेंबल हम लोग करते हैं फुल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं शाफ्ट के एंड में, ड्राइव एंड साइड में हम लोग शाफ्ट के एंड में डायलगेज लगा देते हैं, फेस में, रेडियल में नहीं है, फेस में लगा देते हैं एक्सियल में, और शाफ्ट को प्रेस करते हैं और उसको जीरो कर देते हैं डायलगेज के पॉइंट को, रेडी को, और जब हम लोग खींचते हैं तो वो कितना आगे पीछे होता है वही उसका फ्लोट होता है। और उसी प्रकार से सभी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या पंप का फ्लोट लिया जाता है, चाहे वो वर्टिकल पंप हो सेंट्रीफ्यूगल या फिर वर्टिकल कंप्रेसर हो सेंट्रीफ्यूगल या फिर मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल हॉरिजॉन्टल हो या फिर हॉरिजॉन्टल पंप हो, तो उसी प्रकार से फ्लोट लिया जाता है। उसके बाद है हमारा 24वां नंबर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्यों यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में मल्टी स्टेज कंप्रेसर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर अगर हमें हाई प्रेशर चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा, तो उस वहां पर हम लोग मल्टी स्टेज यानी एक इंपेलर, दो इंपेलर, तीन इंपेलर, चार इंपेलर एज पर डिजाइन उसी के हिसाब से हम लोग इंपेलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के लिए हम लोग मल्टी स्टेज कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। 25वां आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कितने टाइप के होते हैं। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने टाइप का होता है, इसमें दो टाइप का होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, एक सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर और एक होता है डबल एक्टिंग कंप्रेसर। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिटेल्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग में क्या अंतर है। सिंगल एक्टिंग वही होता है जो सिर्फ टॉप साइड से, अभी मैंने बताया टीडीसी बीटीसी, टॉप साइड से सक्शन करता है और टॉप साइड से ही डिस्चार्ज करता है। लेकिन डुअल एक्टिंग कंप्रेसर में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में टॉप से जब सेक्शन करेगा
तो डाउन से डिस्चार्ज करेगा, अब जब डाउन से सक्शन करेगा तो टॉप से डिस्चार्ज करेगा। ये डुअल एक्टिंग यानी ये दोनों तरफ से ऊपर से भी पिस्टन के और नीचे से भी पिस्टन के काम करता है ये सक्शन डिस्चार्ज। 26वां सवाल, लास्ट सवाल, अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जो आप पूछ सकते हैं। ये सवाल जो भी मैंने बताया है ये एक टेक्नीशियन लेवल का सवाल है, लेकिन इंजीनियर लेवल में आप जाएंगे तो वहाँ पर PSI, उसका डिज़ाइन और उसका एक एक पार्ट का डिज़ाइन का क्या फंक्शन है इसके बारे में पूछा जाता है। और इसमें जितने भी हमारे फॉल्ट होते हैं या फिर जितने भी गड़बड़ी होती है इसके बारे में भी एक इंजीनियर का काम है दिमाग लगाना, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि करके डिटेल्स में कि किस पार्ट का क्या काम है, उसके खराब होने से क्या नुकसान हो सकता है। तो 26वां सवाल है, कंप्रेसर में कितने टाइप के वाल्व होते हैं? 3 टाइप के वाल्व होते हैं कंप्रेसर में, एक चैनल वाल्व, एक प्लेट वाल्व, एक स्प्रिंग वाल्व। तो हमारे जितने भी वाल्व हैं ये वाल्व, अगर मैंने यहाँ पर वाल्व का टाइप अगर अलग अलग बताया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कितने टाइप का वाल्व होता है, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये 26 सवाल हमारे पूरे हो गए, ये मेन क्वेश्चन होते हैं, मेन आंसर होते हैं ये कंप्रेसर के ऊपर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आप जो सवाल पूछा जाएगा उसके अंदर से कितने जवाब निकलेंगे आप सोच सकते हैं। जैसे बैरिंग का हमने बात किया कि बैरिंग कितने टाइप का होता है, कंप्रेसर कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्यों कहा जाता है, ये कैसे काम करता है। तो बैरिंग में हम जैसे मान लीजिए बैरिंग का बात है तो बैरिंग कैसे फिट किया जाएगा, स्पेरिकल रोलर बैरिंग क्या है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बैरिंग क्या है, उसके बाद आपसे पूछा है सेल्फ लाइन बॉल बैरिंग क्या है, सेल्फ लाइन रोलर बैरिंग क्या काम है, कैसे फिट किया जाता है। जब हम लोग जवाब देते हैं उसमें से ही कई सवाल निकल जाता है, तो सामने वाला उसमें से भी आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कंप्रेसर के ऊपर वीडियो हमने बनाया है, तो जो भी मैंने मेरे जो मुझे याद था वो मैंने सवाल और जवाब दे दिया है। अगर इसके बाद अगर आपके पास कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।